हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट साइंस क्लास सेकंड, चैप्टर 5 बोन्स एंड मसल्स, हड्डियां और मांसपेशियां। टुडे वी विल लर्न अबाउट बोन्स, मसल्स, हेल्थी बोन्स एंड मसल्स, पोस्चर। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी, हमारी शरीर हड्डियाँ और मांसपेशियों से मिलकर बना है। दीज आर कवर्ड बाय स्किन। ये किससे कवर है? स्किन से कवर होता है। वी कैन डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हम डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किसकी मदद से? बोन्स और मसल्स की मदद से। फील डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विद योर फिंगर एज शोन इन पिक्चर। आप फील कर सकते हो अपनी बॉडी को छू के अपनी फिंगर से। देखिए, जैसे इस पिक्चर में ये बच्चे करते नज़र आ रहे हैं, आप भी फील कीजिए अपनी बॉडी में। यू विल फाइंड दैट सम पार्ट्स आर सॉफ्ट वाइल सम आर हार्ड। आप छूएंगे और महसूस करेंगे कि कुछ पार्ट हार्ड होंगे और कुछ पार्ट सॉफ्ट होंगे। द हार्ड पार्ट्स आर द बोन्स। जो हार्ड पार्ट होते हैं उन्हें बोन्स कहा जाता है, मीन्स हड्डियाँ कहा जाता है। द सॉफ्ट पार्ट्स आर द मसल्स, जिन्हें मांसपेशियाँ कहा जाता है। जो हार्ड पार्ट्स होते हैं उन्हें बोन्स कहा जाता है, और जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उन्हें मसल्स कहा जाता है। बोन्स हड्डियाँ। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हड्डियाँ सख्त और मजबूत होती हैं। द बोन्स सपोर्ट आवर बॉडी। बोन्स क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट करता है, सहायता देता है। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। बोन्स मेक अप आवर बॉडी फ्रेम। बोन्स से हमारी क्या होती है? बॉडी को एक ढांचा मिलता है। दिस फ्रेम इज कॉल्ड द स्केल्टन। और इसी फ्रेम को, इसी ढांचे को क्या कहते हैं? स्केल्टन कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे स्केल्टन है। स्केल्टन गिव्स शेप टू आवर बॉडी। और जो स्केल्टन होता है वो क्या देता है? हमारी बॉडी को शेप देता है, एक आकार देता है। इट मेक्स फ्रेम टू होल्ड ऑल द बोन्स टुगेदर। और इसी ढांचे में क्या होता है कि सारी जो हड्डियाँ होती है आपस में जुड़ी रहती हैं। द स्केल्टन हेल्प्स द बॉडी टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक। स्केल्टन हमारी मदद करता है बॉडी को खड़ी रखने में, सीधे खड़े रखने में और चलाने में। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट्स को, इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो स्कल्स मीन्स खोपड़ी से सुरक्षित रहता है, उसी के द्वारा सुरक्षित रहता है। हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। और हार्ट और लंग्स ये किससे सुरक्षित रहते हैं, किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं? पसलियाँ रिब्स के कारण सुरक्षित रहते हैं। टू प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। ऐसा स्थान जिस जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं उन्हें जॉइंट कहते हैं। देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर पे कई जोड़ होते हैं, कई जॉइंट होते हैं हमारे शरीर पर। दीज जॉइंट्स हेल्प अस टू बैंड आवर बॉडी पार्ट्स। और ये जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को मोड़ने में या फिर झुकने में मदद करते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 300 बोन्स। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो भी नवजात शिशु होता है, उसमें 300 बोन्स होते हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं उसके अंदर। दीज बोन्स ग्रो लॉन्गर एंड स्ट्रोंगर एंड मर्ज टुगेदर टू मेक द चाइल्ड टॉलर एंड हैवियर। और ये जो हड्डियाँ होती हैं वो उसे बढ़ने में मदद करती हैं,
उन्हें लंबा और मजबूत बनाने में मदद करती हैं और क्या करती है, मस्ट टुगेदर टू मेक द चाइल्ड टॉलर एंड हैवियर, और उसे क्या करती है, बड़ा बनाने में और उसे भारी बनाने में उसकी मदद करती हैं। फीमर थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ आवर बॉडी। जो फीमर होती है, हड्डी होती है एक, उसे थाई बोन भी बोला जाता है। ये क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है। फीमर मीन्स थाई बोन, ये जो होती है फीमर, इसे बोलते हैं फीमर। जो हमारी थाई होती है, ये हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। मसल्स मांसपेशियां, मसल्स कवर ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मांसपेशियां होती है वो हमारी हड्डियों को क्या करती है, कवर करती है। मसल्स आर सॉफ्ट एंड हेल्प अस टू मूव आवर बोन्स। मांसपेशियां होती हैं जो वो नरम होती हैं और क्या करती हैं, वो हमारी जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां हैं, उनको चलाने में, हिलाने में मदद करती हैं। द बॉडी ऑफ एन अडल्ट इज मेड ऑफ अबाउट 600 मसल्स। हमारे शरीर में, सॉरी, जो शरीर होता है एक अडल्ट व्यक्ति का, जो एक अडल्ट होता है, जो एक व्यक्ति का शरीर होता है, वो 600 मसल्स से बनता है। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर। मांसपेशियां और हड्डियां एक साथ काम करती हैं। दे हेल्प अस टू स्ट्रेच बैंड सिट स्टैंड राइट वॉक रन एंड प्ले। ये शरीर को खींचने में मदद करती है, खिंचाव में मदद करती है शरीर की, और क्या करने में मदद करती है, झुकने में, बैठने में, खड़े होने में, लिखने में, चलने में, दौड़ने में और खेलने में उसकी मदद करती है। हेल्थी बोन्स एंड मसल्स, स्वस्थ हड्डियां और मांसपेशियां। टू कीप अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड फिट वी नीड हेल्थी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज। हमें क्या करना चाहिए, अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड फिट रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हेल्थी फूड की और एंड रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, जिससे हमारी बोन्स एंड मसल्स क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फिट रहते हैं। प्लेइंग गेम्स रनिंग एंड वॉकिंग आर गुड वे टू एक्सरसाइज। गेम खेलना, दौड़ना और चलना, ये एक्सरसाइज करने के अच्छे तरीके हैं। मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन वी यूज देम रेगुलरली। अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ड्रिंकिंग मिल्क हेल्प टू कीप अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड फिट। फल और सब्जियां खाने से और दूध पीने से हमारी बॉडी, सॉरी, हमारे बोन्स और मसल्स क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फिट रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हेल्थी बोन्स एंड मसल्स को फिट रखने के लिए। तो आपको भी क्या करना चाहिए, अपने बोन्स एंड मसल्स को फिट रखने के लिए आपको भी हेल्थी फूड खाना है और रेगुलर एक्सरसाइज लेनी है। ओके, पोस्चर मीन्स आसन। द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट स्टैंड एंड वॉक इज कॉल्ड पोस्चर। जब जिस स्थिति में हम बैठते हैं, खड़े होते हैं और चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन अपराइट पोस्चर। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है, एक अच्छा आसन हमारे लिए, एक अच्छा पोस्चर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अ करेक्ट पोस्चर हेल्प टू कीप अवर बॉडी फिट एंड इन प्रॉपर शेप। एक सही पोस्चर हमारी मदद करता है हमारी बॉडी को फिट एंड एक अच्छा आकार, प्रॉपर शेप देने में मदद करता है एक अच्छा पोस्चर। हेयर आर सम वेज टू बी इन आ करेक्ट पोस्चर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं,
देखिए ये कैसी मुद्रा में खड़े हैं। तो हमारा करेक्ट पोस्चर क्या होगा इसमें, ये रहा, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है। ऑलवेज सिट विथ योर बैक स्ट्रेट, जब भी आप बैठते हो हमेशा कैसे बैठना चाहिए, हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठना चाहिए। ऑलवेज वॉक स्ट्रेट, हमेशा सीधे चलना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड विथ योर बैक स्ट्रेट, हमेशा सीधे खड़े होना चाहिए। नेवर लाई डाउन टू रीड बुक्स और वॉच टीवी, कभी भी बुक्स और टीवी देखते हुए लेटना नहीं चाहिए। लेट अस रिकॉल, आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स, हमारी बॉडी मांसपेशियां और हड्डियों से मिलकर बनी है। द हार्ड पार्ट्स आर द बोन्स, द सॉफ्ट पार्ट आर द मसल्स। हार्ड पार्ट्स बोन्स को कहा जाता है और सॉफ्ट पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं। बोन्स मेक अप आवर बॉडी फ्रेम, दिस फ्रेम इज कॉल्ड स्केलेटन। बोन्स हमारे शरीर के ढांचे को बनाता है, दिस फ्रेम, और इसी फ्रेम को क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट, जब दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं, बोन्स मिलते हैं, तो उसे जॉइंट कहते हैं। टू कीप अवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग एंड फिट, वी नीड हेल्थी फूड एंड रेगुलरली एक्सरसाइज, हमें अपने बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग एंड फिट रखने के लिए हेल्थी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी वैन वी सिट स्टैंड एंड वॉक इज कॉल्ड पोस्चर, जब जिस स्थिति में हम बैठते हैं, खड़े होते हैं और चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज टाइम, टेक द करेक्ट ऑप्शन, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड द जॉइंट, मसल्स स्कल, जॉइंट। द स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ बोन्स मसल्स एनमल बोन्स, द फ्रेमवर्क फॉर्म्ड व्हेन बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड skeleton, the position in which we hold our body while sitting, standing or moving is called posture. Fill in the blanks using the words given in the hints. आपको हिंट बॉक्स दिया गया, आपको इसमें से चूज करके लिखना है। We should always sit our back straight. Dash gives shape to our body. Skeleton. Dash cover all the bones present in our body. Muscles, body moves due to dash and muscles, bones and muscles. True and false, our muscles become strong when we exercise. It's true. It is important to have a correct posture. True. We have 600 bones in our body. False. We can bend different parts of our body at the joint. It's true. Chapter 5, Bones and Muscles. Question 1. Name the longest and strongest bones of our body. हमारे शरीर की सबसे लंबी and strongest bones कौन सी है? Femur. जिसे क्या कहते हैं? Thigh bone कहते हैं. ये हमारी क्या है? Longest and strongest bone है. Why should we exercise regularly? हमें exercise regularly क्यों करनी चाहिए? Because muscles become strong. क्योंकि हमारे muscles होते हैं जो वो strong हो सकते हैं. हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्केलेटन हेल्प अवर बॉडी, स्केलेटन हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करता है? टू स्टैंड स्टे एंड वॉक, जो स्केलेटन होता है हेल्प करता है हमारी बॉडी को खड़े होने में, सीधे खड़े होने में और सीधे चलने में मदद करता है। हाउ डज द करेक्ट पोस्चर हेल्प अवर बॉडी, एक करेक्ट पोस्चर हेल्प कैसे करता है हमारी बॉडी को? टू कीप अवर बॉडी फिट एंड इन प्रॉपर शेप, जो पोस्चर होता है वो क्या रहता है, हमारी बॉडी को क्या रहता है, फिट रखता है और प्रॉपर शेप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ जॉइंट, जॉइंट क्या होता है? द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट, ऐसी स्थिति जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन्स होते हैं जो मिलते हैं, दो या दो से अधिक जो हड्डियाँ होती हैं वो मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। जो उनसे क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को बैंड कर सकते हैं।